आपका स्वागत है। तो अभी आप में से कोई लाइव नहीं है, थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, आपको एक जानकारी देनी है। ठीक है, अगर आप में से कोई लाइव आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं वो जानकारी देखता हूँ। यहाँ पे वेट करता हूँ आपका 5 मिनट, आप में से कोई लाइव आता है तो ठीक है। हाँ, अभी 3 बच्चे लाइव आए हैं। ठीक है, एक ज़रूरी मतलब बात बतानी थी आपको। कुछ दिन से संशय चल रहा था कि अपना जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो दोस्तों सूचना साइट के लिए सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, RMSSB की साइट पे जाके आप देखिएगा, अदरवाइज़ उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो उसका सिलेबस जारी किया गया है और उस सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, यानी कि अगर उनको ऑब्जेक्टिव करना था पेपर, तो कम से कम वो वहाँ पे डाल देते कि भी ऑब्जेक्टिव है, तो अभी भी उन्होंने वो सेम की सेम चीज़ वहाँ पे डाल रखी है, क्योंकि दोबारा सारी चीज़ें चेक हुई हैं विज्ञप्ति में। उसके बावजूद भी उन्होंने वो सारी चीज़ें डाली हैं कि पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और उसके बाद दोनों टाइप का हो सकता है। नीचे उन्होंने डाले हैं कि जो परीक्षक जो कॉपी चेक करने वाला होगा आपकी, वो आपको अनुग्रह यानी कि ग्रेस मार्क दे सकता है 3 नंबर तक, और अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो राइटिंग के भी नंबर काटे जाएंगे। तो ऐसी बातें उन्होंने उस सिलेबस में लिख रखी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कोई बोल रहा है कि पेपर 100% अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो आप उस बात पे अभी विश्वास मत कीजिए। अच्छी बात है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, लेकिन आप सब्जेक्टिव टाइप पेपर की तैयारी कीजिए, ताकि अगर पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो भी आप कर सको, और सब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो भी आप उसको सोल्व कर सको। ठीक है दोस्तों, तो ये बताना था मेरे को, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। अदरवाइज़ अगर आपको विश्वास ना हो तो ये जो अपनी RMSSB की जो साइट है उस पर जाके आप कैंडिडेट कोडर में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप MCQ करो और उसके बाद में आप जब थ्योरी की बात आ जाए बाय द वे क्वेश्चन पेपर में, तो आप नहीं कर पाओ। ठीक है, एक बात और बतानी थी। हेलो हरीश जी, एक बात और बतानी थी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात हो रही है, तो वो ये कर सकते हैं कि अपना जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे रीजनिंग, मैथ और मेंटल एबिलिटी वगैरह हो गई ना, मेंटल एबिलिटी आ गई उसमें, अपना GK हो गया राजस्थान का, इंडिया का, तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि वो ये ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद में जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो 3 घंटे का पेपर होने के कारण वो उसको थोड़ा सब्जेक्टिव कर दें, तो ये चीज़ हो सकती है। देखिए RMSSB की जो साइट है ना, उस पर जाके प्रेस नोट में देखिएगा आप, प्रेस नोट में तो कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी आप सिलेबस में देखिएगा। ठीक है, सिलेबस में इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें जाके देखिए। ठीक है, क्योंकि विज्ञप्ति जारी हुई थी तो एकमात्र इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की ऐसी विज्ञप्ति आई है फ्रेंड्स जिसमें सिलेबस था, और दोबारा से वो सिलेबस आया है। ठीक है, तो मैं आपको कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको चेता रहा हूँ कि अगर सब्जेक्टिव टाइप पेपर हो गया तो आप मुसीबत में न पड़ जाएं। ठीक है, तो आप पेपर की थोड़ी अच्छी तैयारी कीजिए। वैसे आप लोग, आपको काफ़ी टाइम मिल गया है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आज ही डाला है। ठीक है, हाँ वो उन्होंने आजकल में ही डाला है, तो आप देख लीजिए, सिलेबस में जाके देखिएगा। ठीक है, RMSSB की साइट पर सिलेबस में जाके देखिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्या आपने एडिट में किया था तब भी डिप्लोमा हो गया? फिर से भी आपने डिप्लोमा कर दिया? अरे यार, कैसे फील करते हो? अब देखिए, इस चीज़ के मैं बारे में आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको मौका दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको निकाल देंगे। ठीक है, तो हरीश जी, हाँ डिप्लोमा हो गया तो उसको आप कर दीजिए, ये छोटी मोटी चीज़ें भी होती है ना कई बार। अरे 300 रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब कई बार आपको दिक्कत हो जाए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो वो जो आपको रिग्रेट रहेगा ना वो लाइफ भर रह जाएगा। 300 रुपये के बारे में अभी मत सोचिएगा दोस्त, डिग्री कर दीजिए उसको। 13 तारीख से बोल रहे थे, वो शायद स्टार्ट हो गया होगा आज, या नहीं तो कल से हो जाएगा, एडिट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा वहाँ पे। पेपर का लेवल फ्रेंड सुमित शर्मा, ये रहेगा अपना ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, और उन्होंने ये बात भी बोली है कि जो हमने आपको सिलेबस दिया है वो सिर्फ दिखावे मात्र का है। ठीक है, यानी कि वो उससे थोड़ा अलग हो सकता है आपका। ठीक है, आपकी वो सिर्फ तैयारी करने के लिए वो सिलेबस उन्होंने बताया है। ठीक है, जैसा कि पिछली बार हुआ था वैसा ही अब की बार भी हो सकता है, वो किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ के कहीं से कुछ भी दे सकते हैं। तो लिमिटेड सिलेबस तो दिया है, लेकिन उसके अंदर जो मैटर है वो लिमिटेड नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ठीक है, एडिट, हाँ सॉरी, एडिट का टाइम 24 से 28 है, वो जो बच गए थे अपीयरिंग वाले उनके लिए 13 से 27 तक किया है उन्होंने। ठीक है, हाँ ये आप सही बोल रहे हो, 24 से 28 एडिट का टाइम है, तो
तो ठीक है, हाँ आप एडिट कर दीजिएगा, मेरा मानना तो यही है कि आप एडिट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सिलेबस चेक कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए। ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं दोस्त, वो मैं भी नहीं जानता कि क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ ज़्यादा रेशियो जो है विशाल जी वो अपना कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है। हाँ सिखवाल की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, RSCIT की बुक। अरे यार RSCIT अकेली से काम नहीं चलेगा, फिर आप टेक्निकल पार्ट बाकी कहाँ से करोगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर बोल रखा है उन्होंने, उसमें उन्होंने सारा RSCIT पकड़ लिया, उसके बाद में आपका MS Office हो गया, बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो कहाँ से करोगे फ्रेंड आप। तो उसके लिए आप कीजिए C Language, C++, कंप्यूटर नेटवर्क हो सके तो पढ़ लीजिए। बेस्ट बुक दीपिका जी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बेस्ट बुक मैंने आज से 4-5 महीने पहले बता दिया था, अगर आपने पढ़ी है वो तो वो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता NCERT से बेस्ट, ठीक है। 12th की बुक बताई थी मैंने आपको 9 से 10, और उनमें C, C++ सारी आ जाती है। वैसे अभी जो पब्लिशर है ना उनकी बुक किसी का भी नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। बाय द वे आप पढ़ लो और बाद में उनमें से कुछ नहीं आओ तो फिर मेरे को बोलोगे। मैथ के क्वेश्चन आएंगे दोस्त छोटू राम जी, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आप मान के चलिए अगर होगी तो ही ज़्यादा फ़ायदा है, अदरवाइज आप जो जिनका सिलेक्शन होना है ना जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन भी पीछे निकल जाएगा। फिर नीलिमा की बुक से कर रहे हो, अच्छी बुक है पढ़ लीजिए, मैंने नहीं देखी है सॉरी। हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर आपने कोई बुक भी पढ़ी है तो उसमें से आपको मैटर मिल जाएगा, आपको लगभग सब में सेम मैटर होता है, किसमें थोड़ा समराइज करके दिखा देते हैं, किसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, ठीक है। लेकिन डीप पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हो आप डीप पढ़िए, ठीक है। मैथ का दिया है उन्होंने, थोड़ी सी बात लिखी है तो वो जो टॉपिक बताए हैं ना आपको, आप उनमें क्यों बचते हो, अगर आपको तैयारी करनी है दोस्त तो मैंने टॉपिक बता दिए उनकी कर लीजिए, उनसे अलग नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मैथ नहीं दिया है तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया है, बाद में आप बोलोगे कि भाई आपने टॉपिक बताए थे, अगर वो कर लेते हो तो आपको फ़ायदा होगा उसका। मैथ के लिए सिलेबस में थोड़ी सी बात तो दी है ना, DI दिया है, DI अगर आपको करना है तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपने बहुत बुक पढ़ ली है दीपिका जी, लक्ष्य की, सुगम की, पब्लिकेशन राय की पढ़ ली है, अच्छी बुक है, सारी अच्छी बुक है, ठीक है। अच्छे नॉलेज वाले बंदों की लिखी हुई होती है, आप इनको पढ़िए। हाँ इनको PDF सेंड करिएगा अगर आपके पास है तो। हाँ ये चल जाएगा डिप्लोमा, अभी उन्होंने डिस्टेंस के लिए कुछ भी नहीं लिखा है तो इसकी चिंता मत कीजिए, आप कोर्ट में केस कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं लिखा है, बस आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो वैलिड होनी चाहिए। सर एक बार वापस क्या बताना है, एक बार मेरे को यही बताना था कि भाई एक तो ये अपना जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का है वो सिलेबस जारी हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है सिलेबस में, मैंने यही बताना था कि बस ऑब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है अभी भी। DI का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ में जो मैंने अधिकतर क्वेश्चन देखे हैं वो लाभ हानि परसेंटेज इन्हीं से आते हैं, ठीक है। 2-4 टॉपिक और बचते हैं, नल टंकी के क्वेश्चन मैंने छोटे मोटे क्वेश्चन हो तो आ जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आपको सुमित शर्मा जो है PDF की बुक सेंड कर देंगे। C, C++ का मटेरियल क्यों नहीं मिल रहा है यार, मैंने अच्छे खासे वीडियो डाले हैं, अच्छा खासा मटेरियल तो प्रोवाइड किया है मैंने, अगर आप नहीं देख रहे वो वीडियो तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त। ये कोचिंग की बुक लिख रखा है क्या दीपिका जी आपने, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल से दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास PDF वगैरह है तो आप ये जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनको प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इन्होंने Gmail ID भी बता दी अपनी, भाई सुमित, हाँ जी, मतलब जिसके पास जो मटेरियल है ये, दीपिका जी क्या आप कोचिंग कर रहे हो, ये कोचिंग वालों से एक सवाल पूछना था मेरे को, अगर दीपिका जी आप कोचिंग कर रहे हो तो बताइए, कट ऑफ 75 से अबो जाएगी जनरल की, 75 से अबो जाएगी,
75 मान के चलिए आप, 75 की जो कट ऑफ है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर ये कोचिंग के नोट्स की बात आपने कैसे कर दी फिर। चलो कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहा है ना, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि कोचिंग वाले 2 घंटे में कुछ नहीं करवा पाते। एससी अब 75 देख लीजिए, तो एससी की ऐसा तो है नहीं कि 60 चली जाएगी, मतलब आपकी लगभग 68 से 75 के बीच में रहेगी सारी की सारी जो है वो, ठीक है। एक एक दो दो नंबर का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जो मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अप्लाई करने वाले वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और 3 गुना बंदे लेंगे ये, यदि अपने पास अभी 1300 है तो लगभग 4000 लड़कों को बुलाएंगे, ठीक है। अब सबके क्यों पूछ रहे हो, अब अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप बातें करने लगते हो। अब ये बताओ, पहले एग्ज़ाम तो होने दो, पेपर का लेवल देखेंगे, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि जनरल की 75 है, तो आपका अगर 75 आ जाता है तो आप एक सिक्योर मतलब कर लेते हो अपने आप को, ठीक है। 2013 में तो लगभग 60 रही थी, उसके बारे में मैंने PDF डाली थी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। कोचिंग ये कर ही नहीं रही है, वो सारी मैं जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। देखिए मखीजा जी, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन पूछूं, मैंने सिर्फ एक जानकारी देने के लिए और आप लोगों से बस थोड़ी सी बात करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं, अभी लाइव आया हूं, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए और आप किसी भी रूमर के पीछे न भागें कि भाई ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, तो अभी कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप अपनी तैयारी कीजिए बस। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, उनको खुद को नहीं पता है इस चीज़ का। कंप्यूटर वाला सेक्शन ही विशाल जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। हाँ, रिजल्ट आने से पहले, ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी देनी थी मेरे को फ़िलहाल आपको। तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हो और उसके बाद में बस, ठीक है, अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता, ठीक है, ये काम मत किया करो। अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो मेरे लोगों को, मुझको अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो जैसा कि मैं आपको कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक किया करो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कौन सा बेस्ट है दोस्त, मैंने आपको बहुत बार ये बात कही है कि प्रैक्टिस सेट, अब इतना टाइम नहीं है कि आप, अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है ना, तो मार्केट से प्रैक्टिस सेट की अगर बात करो तो किरण पब्लिकेशन का आता है, ठीक है, उसका ले लीजिए फिर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का, किरण पब्लिकेशन का है ना, तो वो ले लीजिए, ठीक है। कादिर जी वेलकम ब्रो, मैंने नीलिमा वाली बुक पढ़ी है, आई थिंक वो कट पेस्ट, अरे बुक तो सारी दोस्त सोहेल जी सारी की सारी कट पेस्ट ही होती हैं, ठीक है, ऐसा ही मिलता है, थोड़ी बहुत चीज़ें वो चेंज कर देंगे, ठीक है। हम जो BCA लेवल में जो पढ़ते हैं या फिर जो डिग्री लेवल पे जो पढ़ते हैं ना, उस समय जो बुक मिलती है ना, उनमें मैटर एकदम सॉलिड होता है, ठीक है। उसके बाद में तो जो वो डालेंगे वो इतनी सी 300 रुपये की बुक में 500-600 पेज देंगे और उसमें वो क्या करेंगे, घुसेड़ देंगे सब कुछ, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो कि उनमें क्या होगा। मैं आपको बता दूंगा, तो अब देखिए, मैंने राय की बुक पढ़ी है, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की नहीं पढ़ी, काफ़ी और एग्ज़ाम की पढ़ी है, तो राय की बुक ठीक होती है, ठीक है। लक्ष्य की बुक भी ठीक होती है, सुगम की तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। तो ये देख लीजिएगा सर, चैनल बनाने वाले थे ना आप, किस चीज़ का चैनल सोनिया जी, सोनिया नागपाल किस चीज़ का चैनल बोल रहे हो आप। हाँ हरीश जी, आप तो लाइक कर देते हो, लेकिन ये 23 जो देख रहे हैं ना, उनमें से सिर्फ 8 ने लाइक किया, ये पता नहीं किस बात पे नाराज़ हैं। अब 26 हो गए हैं, ये नाराज़ रहते हैं मुझसे, भाई बूलियन एलजेब्रा आएगा क्या। हाँ बूलियन एलजेब्रा अभी तो, मतलब पिछली बार तो इनमें से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा करवा दूंगा, ठीक है। मैं तैयारी कर रहा हूँ जेडा जी, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूँ, टैक्स असिस्टेंट की कर रहा हूँ, KVS का 80 मार्क्स है मेरे उसमें, तो देखिए अभी क्या होता है। जनरल कैटेगरी से हूँ तो विश्वास नहीं होता है 80 पे भी, भाई महिंद्रा पब्लिकेशन की बुक अच्छी बुक होगी ये भी, अगर आपने पढ़ी है तो आप ज़्यादा जानते हो, अगर आपने पढ़ी है तो। मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि मैंने अभी कोई बुक नहीं पढ़ी है, स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी है, मैंने सारा इंटरनेट से और BCA MCA के जो नोट्स हैं उन्हीं से कलेक्ट किया है पूरा मटेरियल। हाँ वो चैनल बताने वाला था, वो मैं अभी देख रहा हूँ, अभी मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के लिए बोला था, मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए आपको थोड़ा टॉपिक करवा दूँ,
ज़्यादा उनके अंदर न ले जाके आपको जो समराइज मैटर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कोई एक दो चैनल मुझको मिलते हैं तो आपको सजेस्ट कर दूंगा, मैं मिलते ही सजेस्ट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सिलेबस के लिए लिंक मैं डाल दूंगा दोस्त, अभी तक आपको सिलेबस भी नहीं पता है क्या राहुल जी? पता नहीं दीपिका जी, सिलेक्शन का कुछ नहीं कह सकते, अभी पिछले 5 साल से तैयारी किए जा रहे हैं बस। आईटी से डिप्लोमा किया है तो आपने अप्लाई तो कर दिया होगा, अप्लाई कर दीजिए, अच्छा जो एग्ज़ाम है अच्छा एग्ज़ाम रहेगा और कंपटीशन भी कम रहेगा। वीडियो के बाद ये आपको सेंड कर देंगे, इनको आपकी ईमेल आईडी बता दीजिएगा आप, ठीक है। ये मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स से कौन कौन से टॉपिक है, देखिए इनमें एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है। ये जो ग्राफिक्स है इसमें थोड़ी एल्गोरिथम होती है, रास्टर, ठीक है, इस टाइप की कुछ एल्गोरिथम होती है, थोड़ा बहुत टॉपिक देखा है मैंने अभी इस पर, तो ये मैं बता दूंगा। मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया कैसे यूज होता है, और अपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह वॉइस मेल वगैरह दे रखे हैं ना, वो टॉपिक सारे मल्टीमीडिया में ही आते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इनको थोड़ा समराइज मैटर करवाने की, ठीक है। सिलेबस अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्त, थोड़ी देर बाद में डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। वेबसाइट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस जो HTML वाला टॉपिक है ना, और जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। वो सारे एक ही में आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या होता है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हम HTML का जो पेज बनाते हैं ना तो उसे नोटपैड में बनाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ना, वो अपने को क्या करता है कि नोटपैड में तो हम एरर वगैरह नहीं दे सकते, उसको इंटरनेट पे चला के देखना पड़ेगा, लेकिन वो जो इन्वायरमेंट है ना IDE वाला, उसमें क्या होता है कि वो अपने को कंपाइल करना, डिबग करना, सारी जो फैसिलिटी है एक ही जगह प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कितने फॉर्म का अभी कोई डिसाइड नहीं है, लगभग 2-2.5 लाख फॉर्म मान के चलिए। कोई बात नहीं कोरप्रीत जी, मैंने सिलेबस के लिए बताया कि सिलेबस जारी हुआ है इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का, पहले वाला ही है। मैंने सिर्फ इतना बताया कि अभी भी ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि ये ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन आप तैयारी जो कीजिए वो सब्जेक्टिव टाइप की ही कीजिए, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अगर आपने अपीयरिंग कर दिया है तो उन्होंने लिख रखा है, अगर किसी ने कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा अगर आप उसमें एडिट का ऑप्शन ऑन हो रहा है तो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंट नोट्स मैं नहीं सेंड कर सकता क्योंकि मेरे पास तो नोटबुक रखी हुई है बहुत सारी, ठीक है। उनकी पहले मैं इमेज लूँगा, उसके बाद मैं PDF बनाऊँगा, फिर सेंड करूँगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्त। उन्हीं नोटबुक से मैं जो अच्छा अच्छा मटेरियल है वो मेरे चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। कादिर जी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप वो देखिए, ठीक है। मैंने WhatsApp ग्रुप बनाया था लेकिन उसमें क्या है, सारे दिन उल्ट पुल्ट चीज़ें ही लोग क्या करते रहते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। वैसे मैं बना लूँगा, अगर आप लोग कहते हो तो मैं WhatsApp ग्रुप बना के और उसका लिंक शेयर कर दूँगा आपको, वो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। WhatsApp ग्रुप बना के और उसका लिंक डाल दूँगा मैं इसी वीडियो के अंत में, ठीक है। कोरप्रीत जी बोलिए, आपने क्या कमेंट किया था? हाँ आप लेट हो गए ना, इसके बाद में तो आपने कुछ भी नहीं किया, तो मैंने बताया है कि ये सिलेबस के लिए है, ठीक है। हाँ लास्ट यूनिट के बारे में ही बोल रहा था मैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ना उसके बारे में बोल रहा हूँ, उसके लिए जल्दी आपको एक टॉपिक करवा दूंगा मैं अच्छा सा, ठीक है। वो क्या होता है उसके बारे में सारा बता दूंगा आपको। हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स, ये तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है यार, इसमें हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ये भी बता दूंगा। ठीक है WhatsApp ग्रुप बना दूंगा मैं, अभी क्या टाइम हुआ है, लगभग 7 बजे हैं, 8:30 के आसपास मैं वो ग्रुप बनाऊंगा, तो जैसे ही वो ग्रुप बनाता हूँ उसका जो लिंक है आप चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको जो भी नोट्स हैं, कोई बच्चा अगर कोई नोट्स कलेक्ट कर रहा है तो प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो, ठीक है, मेरी भी हो और बच्चों की भी हो, ठीक है।
सी के बारे में कॉर्पोरेट जी दोबारा पूछिए आप, वो कमेंट काफ़ी पीछे निकल गए हैं, ठीक है एक बार दोबारा पूछ लीजिए अगर आपको परेशानी ना हो तो। टेलीग्राम ग्रुप एक चैनल होता है, ठीक है मैंने बनाया है सोनिया जी, टेलीग्राम ग्रुप तो मैंने बना रखा है, उसमें क्या है पोस्ट नहीं कर सकते, वो चैनल बनता है उसमें पोस्ट नहीं कर सकते हो आप लोग, उसमें सिर्फ मैं ही पोस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, मैंने दोनों बना रखे हैं, सबकी बात मान लूंगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है और व्हाट्सअप भी बना लेंगे, उसमें कौन सा अपने पैसे लगने हैं। हाँ भर सकते हैं, ठीक है लगभग कंप्यूटर साइंस से जो है ना वो सारे भर सकते हैं, और जो टेक्निकल वाले हैं मतलब जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ना वो भी भर सकते हैं इसमें, ठीक है तो आप अप्लाई कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है, जिसको टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम कीजिए, जिसको व्हाट्सअप करना है वो व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। उसमें हम क्या है पोस्ट नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है उसी के कारण, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो जानकारी है ये अभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा दोस्तों एक बार, ठीक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जेदा जी आप इस टाइप की पोस्ट मत करो, अदरवाइज मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, ठीक है ब्लॉक कर सकता हूँ मैं आपको, तो ये बार बार ये एक एक चीज़ मत कीजिए, आपको कोई काम की बात करनी होती है ना प्लीज़ वही कीजिए, ठीक है। डीपली पढ़िए, मैंने डीपली बोला है, ओवरव्यू से क्या होता है ऊपर ऊपर की डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, थोड़ा समझ लीजिए उनको, कॉन्सेप्ट बोला है ना मैंने, कॉन्सेप्ट का मतलब है उसमें चीज़ें क्या आ रही हैं, ठीक है वो पढ़नी है आपको, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर हो सके तो, अगर आप करना चाहो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। और जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, एक और बात बताइए मेरे को कि जो मैं कंप्यूटर नेटवर्क के आपको करवा रहा हूँ अभी जो लेटेस्ट मैं डाल रहा हूँ, उनकी जो क्वालिटी है और उनका जो समझाने का तरीका है क्या आपको समझ में आ रहा है अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। ये सुमित शर्मा जो है ये ग्रुप में सेंड कर देंगे। बैकअप एंड रिस्टोरिंग बहुत इजी टॉपिक है, मैं करवा दूंगा, एक दिन का टॉपिक है कोई बात नहीं। बैकअप एंड रिस्टोर का मतलब ये होता है डेटा को किसी जगह स्टोर करके रखना और जब हमें दोबारा ज़रूरत हो तो उसको वापस यूज करना, ठीक है। इसमें दो तीन टाइप होते हैं बैकअप एंड रिस्टोरिंग के, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ प्रोग्रामिंग मतलब मैंने बोला है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए प्रोग्राम का, ठीक है। डीप का मतलब वही होता है, अगर आपके पास टाइम है ना, देखो अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हो प्रोग्रामिंग तो पढ़िए, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, डेफिनेशन पे दीजिए, सिंटेक्स पे दीजिए और उनमें जो ये फंक्शन होते हैं ना उन पे दीजिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग आप तभी पढ़ोगे तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपके पास अच्छा खासा टाइम हो, ठीक है। सिंटेक्स और डेफिनेशन तो मस्ट है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, प्रोग्राम जब पढ़ना है जब आपके पास टाइम हो, ठीक है, क्योंकि एक प्रोग्राम मान के चलिए आधा घंटा खा जाएगा आपका पूरा। C++ कॉन्सेप्ट के हिंदी नोट्स चाहिए तो मैंने C++ का पूरा मेरे चैनल पे हिंदी में ही करवाया है, ठीक है। वो आप लोगों के लिए ही करवाया है अमृत मीणा जी, आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि 20 मिनट ख़राब करना है वीडियो देख के तो दोस्त मतलब पढ़ के कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो समझाने वाला होता है ना कोई तभी समझ में आता है, पढ़ के अगर समझ में आ जाए ना दोस्तों तो बुक बहुत आई हुई है मार्केट में, ठीक है। ठीक है सलमान जी थैंक यू, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आ रही है तो, ठीक है। नीलम जी थैंक यू, हाँ RSCIT की बुक तो मैंने बहुत पहले बताया था अमृत जी की, बहुत अच्छी बुक है आपको पढ़नी चाहिए थी बहुत पहले ही। सर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ उस पर रोज़ 1 आवर टॉपिक वाइज टेस्ट ऑर्गेनाइज करो, 1 घंटा बहुत, अरे सुमित जी मैं कोशिश, मैं ना अगर मैं फ्री होता ना तो मैं वास्तव में आपको बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करता, लेकिन प्रॉब्लम ये रह गई कि मेरे को भी इस एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है दोस्त। तो वो व्हाट्सअप ग्रुप तो इस तरीके का होगा कि कोई भी अगर आप में से किसी को भी अच्छा मटेरियल मिले तो आप सभी उसमें प्रोवाइड करना ना, मैं भी करूँगा आप भी करना, ठीक है। अगर मैं अकेला करूँगा तो अकेला चना जो है वो बांड नहीं फोड़ सकता, सारे मिल के ही फोड़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी पोस्ट करना उस पर, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सोनिया जी ये सुफिशियंट रहेगी, अदरवाइज और भी बचे हुए टॉपिक है वो करवाऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो देखिए सुफिशियंट रहेंगी ये।
वेलकम अमृत जी, करवाऊंगा मैं जल्दी ही करवाऊंगा, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मुझे घर पे भी थोड़ा काम हो जाता है दोस्तों, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी करवाऊँ, ठीक है। हाँ आप भी कर दीजिएगा सुमित जी, व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन दूंगा उसकी आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। RSCIT में आंसर तो नहीं होते हैं, लेकिन उसमें जो डिटेल दी गई है ना वो अच्छी है, वो पढ़ लीजिए आप, ठीक है। मतलब और किसी जगह से पढ़ने से अच्छा है आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से। हाँ मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन चीज़ें होती है वो मैंने आपको बताई है, थोड़ी बहुत और है वो और बता दूंगा, ठीक है। उसमें बस एल्गोरिथम बची हुई है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट ऐसा कुछ एल्गोरिथम होती है, 5-7 एल्गोरिथम है, वो देख लीजिएगा। पेपर का लेवल ग्रेजुएशन लेवल होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा ग्रेजुएशन में क्या आता है। मैंने की है, BCA की है, मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, वेलकम सुमित जी, ओके बाय। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी थी, मेरे हिसाब से 30 मिनट हो गए हैं, लगभग 26 मिनट हो गए हैं, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। कुछ को नहीं पसंद आएगी मुझे पता है, कुछ परमानेंट डिसलाइकर हैं उनको नहीं पसंद आएगी, तो आप वीडियो को लाइक करना जो मुझे सपोर्ट करते हो, और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा मटेरियल लेके आता रहूँगा, ठीक है। आपको पसंद आ रहा है तो मैं और अच्छा लेके आता रहूँगा, आप बस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। मेरिट जनरल की 75 जाएगी, ठीक है दोस्तों, मैं ग्रुप बनाऊँगा आज आपको, लगभग 9 बजे तक मिल जाएगा वो, ठीक है। ठीक है कॉर्पोरेट जी, बाय। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।